राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको देखो ये डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको जेंट्स स्वेटर में डाल लो, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह बनाया अच्छा लगेगा ये डिजाइन। एक डिजाइन ये 6 फंदे का बनेगा और 10 सिलाई का बनेगा। बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनाया भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू कर रखा है यहाँ, पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी आपको। पहले हम सारे फंदे सीधे बना लेंगे यूँ। पहली सिलाई हमारी सीधी उतरेगी। अगर आपने ये बड़ा बनाना है तो आप और भी बड़ा बना सकते हो इसको। मैं 6 का बना रही हूँ, आप 8 का बनाना चाहो 8 का बना लो, 10 का बना लो या इसी तरह बना लो। अब ये पहली सिलाई सीधी उतार दी। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई भी सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ये उल्टी सिलाई उतार लूँ फिर दिखाऊंगी। अब ये दूसरी सिलाई उल्टी उतार ली। अब आ गई तीसरी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमने देखो किस तरह बनाना है। पहले हम 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। 4 फंदे उल्टे, पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यही 6 फंदे बनाने हमने, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। आगे फिर 4 फंदे उल्टे, पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे। अब ये तीसरी सिलाई है, सीधी सिलाई है। एक सीधी उतार दी थी, एक उल्टी उतार दी थी, अब ये तीसरी है। 1 2 3 4, 4 उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 4 फंदे उल्टे। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में सारे फंदे उल्टे उतार देंगे। उल्टी सिलाई हमारी सारी इस तरह उल्टी उतरेंगी। सीधी सीधी का डिजाइन है बस, ये सारी इस तरह उल्टी उतर जाएंगे। अब आ गई पाँचवीं सिलाई। चौथी सिलाई उल्टी उतार दी, पाँचवीं सिलाई हमें जिस तरह हमने तीसरी उतारी थी, 4 फंदे उल्टे, पीछे धागा करके 2 फंदे सीधे। अब यही 6 फंदे बनाने जिस तरह हमने तीसरी उतारी थी। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब ये पाँचवीं सिलाई है, ये उतार लूँ मैं फिर दिखाऊँ। अब ये पाँचवीं सिलाई उतार ले। अब आ गई छठी सिलाई। अब छठी सिलाई भी सारे फंदे उल्टे उतार लेंगे। अब छठी सिलाई उल्टी उतार ली। अब आ गई सातवीं सिलाई। अब सातवीं सिलाई सीधी सिलाई आ गई, तो देखो किस तरह उतारनी है। अब ये जो 4 फंदे उल्टे बनाए थे, ये हम सीधे बना लेंगे। 4 फंदे सीधे, सातवीं सिलाई है सीधी सिलाई। अब जो 2 ये सीधे उतारे थे, इनको हम 2 बार धागा लपेट के बना लेंगे। 1 2, और आगे 4 फंदे सीधे, और जो 2 फंदे हमने ये उल्टे हैं, ये उल्टे हैं, ये 2 सीधे उतारे थे, इनको हम बीच वाले को दोनों को 2 बार लपेट के बना लेंगे। अब जो ये 4 फंदे उल्टे बनाए थे, इनको हम 1 2 3 4, अब पूरी सिलाई इस तरह उतार लेंगे। इन 2 फंदों को हम 2 बार लपेट के बना लेंगे, और जो ये उल्टे फंदे हैं, इनको हम 1 बार लपेट के बना लेंगे। अब सीधे बना रहे हैं सारे फंदे, ये 2 बार लपेट के बना रहे हैं। अब आगे ये 4 फंदे सीधे। अब आ गई 8वीं सिलाई, उल्टी सिलाई। अब 8वीं सिलाई देखो, ये वाली सिलाई बस थोड़ा सा बदल के बनानी है हमने। अब जो ये 2 बार लपेट के बना रखे, इनको खोल लेंगे, लंबा फंदा बना लेंगे। अब यही 6 फंदे बनाने हमने। 1 2 3
चार, और ये दोनों फंदे खोल लेंगे ऐसे। फिर आगे, फिर और जो इनके आगे को ये ऊपर को ये धागा आ गया, ये थोड़ा ध्यान से बनाना है, ये नहीं कि खींच के बना देंगे हम। देखो ये खोल लिया और ऐसे करके बना लेंगे। यहाँ अगर यूं सिकुड़ाया, यूं करके बनाएंगे तो सिकुड़ा डिजाइन बनेगा ये हमारा। ऐसे करके थोड़ा सा ढीला धागा छोड़ दिया ये, फिर ये दोनों खोल दिए। अब ये आठ सिलाई होगी, और आठ सिलाई के बाद अब आ गई नौवीं सिलाई। देखो ये अलग दिख रहे हैं जो लंबे बनाए थे हमने दो बार लपेट के। अब देखो, अब पहले दो फंदे बना देंगे, फिर पीछे सॉरी उल्टे बने, उल्टे नहीं बनाने, सीधे बनाने। अब ये नौवीं सिलाई आ गई, एक दो, पहले दो फंदे सीधे बना दिए। अब ये दो फंदे बच गए, चार थे यहाँ, क्योंकि यहाँ एक डिजाइन है, इस तरफ वाला डिजाइन आएगा, इस तरफ आगे डिजाइन नहीं है। दो फंदे सीधे बना दिए और दो फंदे छोड़ के जो ये दो लंबे फंदे हैं, एक फंदा यहाँ आगे कर देंगे, एक फंदा पीछे कर देंगे। अब यूं करके ये दो फंदे पीछे कर देंगे और ये फंदा आगे कर देंगे। अब तीनों फंदे सीधे बना देंगे और इस तरफ ये चार फंदे हैं बीच में, ये चार उल्टे बनाए थे फिर सीधे बना दिए थे सातवीं सिलाई में। अब दो फंदे इस तरफ कर देंगे, दो फंदे पीछे कर देंगे। अब देखो ये फंदा इनके पीछे कर देंगे, यहाँ ये वाला इस तरह उतार लेंगे, उतार के यूं, और ये फंदा डाल लेंगे, फिर ये दोनों डाल लेंगे। अब तीनों फंदे सीधे बना देंगे। अब सारे फंदे सीधे उतारने हैं हमने नौवीं सिलाई में। अब देखो ये दो बच गए, अब ये वाला फंदा यूं निकाल के ये आगे डाल लेंगे यूं। अब तीनों फंदे सीधे बना देंगे, एक दो तीन। अब ये वाला लंबा फंदा पीछे कर देंगे, अंदर चार फंदे कर दिए, दो पीछे वाले दो आगे वाले, ये दोनों फंदे बाहर की तरफ निकाल दिए, ये फंदा इस तरफ बाहर कर दिया, ये फंदा इस तरफ बाहर कर दिया। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ये वाला फंदा आगे ले आएंगे और ये दोनों फंदे पीछे कर देंगे। ये वाले आगे कर देंगे, ये फंदा पीछे कर देंगे। और ये सीधा बना दिया। अब इनमें से ये आगे कर देंगे, दोनों कोने पे दो दो फंदे सीधे आ गए। अब आ गई दसवीं सिलाई। अब दसवीं सिलाई में सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब देखो ये दसवीं सिलाई उल्टी उतार दी, अब ये डिजाइन बनेगा। अब आगे फिर हम पहली सिलाई से फिर शुरू कर लेंगे और दस सिलाई बार बार उतारेंगे तो ऐसा डिजाइन बनेगा। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो ये वाला बना के दिखाऊंगी। अब पहली सिलाई से फिर शुरू कर लेंगे। पहले हम सारे फंदे सीधे बना लेंगे, पहली सिलाई सीधी सिलाई है, एक सीधी आ गई, फिर एक उल्टी उतार देंगे। सीधी उल्टी का ही डिजाइन है, उल्टी सिलाई सारी उल्टी उतरेंगी। बस एक आठवीं सिलाई में जो एक फंदा, दो फंदे हमने दो बार लपेट के बनाने हैं वो स्लिप करने हैं, बाकी सारे फंदे हम उल्टे बना देंगे। अब ये सीधी होगी, अब दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बना देंगे।